करने के लिए तैयार रहना कि अगर मैं बदनाम हुई तो तुम्हें बदनाम होने से कोई नहीं बचा पाएगा। अभी कैसे जुड़ेगा? लो लो दिखो दिखो दिखो। मैं जानबूझ के नहीं बोला। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात, हम जोड़ देंगे। ए ए ए ये ले भैया। क्या हुआ भैया, क्या सच हुआ? कुछ नहीं, बस बीता हुआ कल मेरी आंखों के सामने आ गया। मैं अपनी यादों की दुनिया में उसी खुशी को, उसी प्यार को ढूंढ रहा हूं जो कहीं खो गया है। जाने किसकी नजर लग गई हमारी खुशियों को। भैया, ये जो कुछ हो रहा है ना, सब मेरी वजह से, सब मेरी ही गलती है। आप लोगों के गांव जाने के बाद मैं ही अपना फर्ज ठीक से नहीं निभा पाई। लेकिन भैया, मुझे पूरा यकीन है सब कुछ ठीक हो जाएगा। वक्त जरूर बदलेगा, हालात बदलेंगे भैया। भगवान करे ऐसा ही, और रवि को अपने कहे का जल्द से जल्द एहसास हो जाए। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि रवि के दिमाग में बंटवारे का ख्याल आया कैसे? क्या कारण हो सकता है जो मेरे बेटे को ये सोचने पर मजबूर कर दिया? पर कुछ ठीक नहीं है कुणाल, क्या ये मुमकिन है कि कोई अपना बचपन भूल जाए? पता है, जब मैं यूएस में थी, मैंने वहां के इंडियंस में, उनकी आंखों में, उनके दिलों में वो फीलिंग महसूस की थी कि अपने मिट्टी से दूर होने का गम वो आज तक नहीं भुला पाए। कुणाल, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई उन पलों को भूल जाए जो कि हमने किसी अपने के साथ बिताए हैं? नहीं तारा, ऐसे पलों पर हमारा कोई बस नहीं चलता। ऐसे पलों को भूल पाना मुमकिन नहीं। ऐसे पल हमें इतनी तकलीफ देते हैं कि हम चैन से जी भी नहीं सकते। अगर इन पलों को भूलना आसान होता तो जी तो नहीं, पर कम से कम हम चैन से मर तो सकते। तो फिर ये दूरियां हमारे बीच कहां से आ जाती हैं कुणाल? ये एक अजीब सा अजनबीपन हमारे बीच कहां से आ जाता है? लोग बदल जाते हैं तारा, लोगों के दिल बदल जाते हैं। कभी कभी तो प्यार भी बदल जाता है। अभी भैया अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं है। घर में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, बस एक राधा भाभी है जो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाए। काश, काश कि हर औरत राधा भाभी की तरह होती तो कोई भी परिवार कभी नहीं टूटता। क्या हो रहा है? किसकी परमिशन से फोटो निकाल रहे हैं आप? निकालो कैमरा, कैमरा दो, इधर आओ।
ये किसका भेजा हुआ आदमी? पता नहीं तारा, तुम परेशान मत। दुनिया में कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें दूसरों की जिंदगी में छांकना अच्छा लगता है। चलो यहां से। दिव्यानी भाभी ने अपने पेरेंट्स से बात कर ली, अब चिंता की कोई बात नहीं, अब आपका प्यार आपकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है। अजय इस कंपनी में रहते हुए भी अपना अलग बिजनेस कर रहा है। बंटवारे में सिर्फ बिजनेस नहीं, हर चीज, हर रिश्ता रिश्तों में बढ़ जाता है। इतनी दरार पड़ जाती है, तो चाहकर भी भर पाना मुश्किल होता है, समझे तुम? अरे तुम अपनी खुशी के लिए पूरे परिवार को जिंदगी भर का दुख देना चाहते हो? मेरा अपना छोटा भाई इतना बदल जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। आज अजय ने मुझे सबकी नजरों में बुरा बना दिया है। सबको सबको अजय की सच्चाई पर भरोसा है, उसका झूठ किसी को दिखाई नहीं दे रहा, पर मैं अजय का असली चेहरा किसी के सामने नहीं ला पा रहा। पापा, मां, अजय के बारे में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। मैंने कभी बंटवारे का सपना नहीं देखा था, लेकिन अब ये सपना ही मेरी जिंदगी की हकीकत बन गया है। क्या कमल सर? सर, मैंने आज शाम 6 बजे आपकी मीटिंग वकील के साथ फिक्स कर दी है। बेटा, मुझे भूख नहीं है। पापा जी, भूख नहीं है या आप खाना ही नहीं चाहते? कह लो बेटा, बस खाने की इच्छा ही नहीं है। पापा जी, आप जानते हैं कि आप नहीं खाएंगे तो घर में और कोई नहीं खाएगा। देखो, जिद मत करो बेटा, और वैसे भी इस घर में हमारी किसे फिक्र, हम जिए या मरे, अपने ही घर में बेगाने हो गए। पता नहीं कौन सी गलती की सजा मिल रही है हमें। आप खुद ही अपने आप को सजा दे रहे हैं पापा जी, वो भी उस गुनाह की जो किसी और ने किया है। और आपकी परवरिश में कोई कमी नहीं, और ना ही आपके बच्चे गलत हैं। बस कुछ देर के लिए रास्ता भटक गए, आप मेरा विश्वास कीजिए, रास्ते पर आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा बहू तुमने, यही बात इन्हें समझा रही हूँ कब से, पर ये माने तब ना। कविता, अपने बच्चों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है हमने, उनकी नजरें पहचानता हूँ मैं। आज रवि की नजरें कलेजे को चीर गई है। पापा जी, रवि भैया ने जो कुछ भी कहा वो गुस्से में कहा, जो किया गुस्से में किया, और आप तो उनका गुस्सा जानते हैं, बिल्कुल हवा के झोंके की तरह है, आता है और चला जाता है। ये हवा का झोंका नहीं है बेटा, तूफान है जो इस घर की खुशियों को बर्बाद कर देगा। लेकिन इस तूफान में मुझे तुम्ही एक विश्वास का पत्थर नजर आ रही हो। तुम इस घर की खुशियों को बचा सकती हो बेटा।
वाले बदल जाएंगे, लेकिन इस खेल में अगर जीत होगी तो सिर्फ और सिर्फ चौधरी। तो तुम यहाँ बैठकर ताश खेलो। आओ देवराज, आओ एक एक बाजी हो जाए। मैं तुम्हारे साथ यहाँ ताश खेलने नहीं आया हूँ। अरे तुम पे भरोसा करके तुम एक काम सौंपा था, लेकिन मुझे लगता है कि अब कोई और दरवाजा खटखटाना होगा। जिस चौधरी को मैं जानता था, जिसे मैं जुर्म की दुनिया का बादशाह समझता था, लगता है वो अपने ताप खो चुका है। वो ताश के पत्तों का जोकर बन के रह गया है। बस बोलिए, या कुछ और कहना बाकी? देवराज, मैं तुम्हारी हर मुश्किल को समझता हूं। तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम मुझसे छुपी हुई नहीं। अब तुमने करण का एक बार कत्ल करवाया और वो दोबारा जिंदा हो गया। देवराज, जो गलती तुमने की है वो गलती हम तो नहीं करेंगे। तुमने करण का काम